बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। टेंथ क्लास का मैथ कर रहे हैं और आज हमारे पास यूनिट नंबर सेकंड है और उसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करेंगे और बाद में हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर सेकंड हमारे पास है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ग्रिप है तो सेकंड जो चैप्टर है ये बड़ी आसानी के साथ आप इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमारे पास इसमें बेसिक चीज़ जो फर्स्ट ऑफ ऑल पूछी गई है 2.1 में वो डिस्क्रिमिनेंट है और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास उसकी वैल्यू है बी स्केयर माइनस फोर ए सी। और ये बी स्केयर मनफी फोर ए सी जो फोर ए सी कहाँ से आया है ये भी मैं साथ आपको बताता हूँ। ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्सप्रेशन है। अगर इक्वल जीरो डाल देते तो फिर ये क्या बन जाना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाना था। तो यहाँ पर जब इक्वेशन हो इक्वल जीरो और जब इक्वेशन नहीं है तो फिर एक्सप्रेशन आ जाता है। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमें पता होगा कि एक्स इट्स इक्वल माइनस का बी और प्लस मनफी बी का स्केयर फोर ए सी और डिवाइड क्या है टू ए। और ये हमारे पास जो हिस्सा है बी स्केयर मनफी फोर ए सी ये क्या चीज़ है, ये है डिस्क्रिमिनेंट। और इसके थ्रू हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम इसमें एग्जांपल भी दी हुई है और 2.1 का पहला क्वेश्चन भी यही है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखें मैं एग्जाम्पल की बजाय जो 2.1 एक्सरसाइज है हमारे पास उसका पहला क्वेश्चन भी मैं साथ करता हूं जिसमें फर्स्ट ऑफ वैल्यू दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 1 इट्स इक्वल टू 0। ज़रा चेक करें कि यहां पर a की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक क्या है, a इट्स इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है b इट्स इक्वल 3, फिर उसके बाद c की वैल्यू क्या है c इट्स इक्वल माइनस 1। निकालना क्या है डिस्क्रिमिनेंट और उसका फार्मूला क्या है हमारे पास बी स्केयर मनफी फोर ए सी, बी स्केयर माइनस फोर ए सी। वैल्यू आप लोग पुट करेंगे आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। b की वैल्यू क्या है, ये है 3, 4 सेम रहा, a की वैल्यू क्या है 2 और हमारे पास c की वैल्यू क्या है माइनस 1। 3 का स्केयर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस और 4 टू कितना आ जाएगा 8, इट्स इक्वल टू क्या आ गया 17। ये हमारे पास क्या आ गया डिस्क्रिमिनेंट, क्या फाइंड हो चुका जी ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो चुका है। अब ये देखें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज क्या है 17 और यहाँ पर आपके कितने कैटेगरी के जो डिस्क्रिमिनेंट होंगे जिसको हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें कौन सी नेचर का रूट है थ्रू डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए मैं वन बाई वन करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ये इसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन है जो तारफ है उसकी समझ आ जाए और ईजीली हम 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट की समझ आ गई है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि डिस्क्रिमिनेंट्स का मज़ीद कंसेप्ट हमारे पास बिल्ड हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास पहला पार्ट था, अब मैं दूसरा पार्ट करने लगा हूँ। दूसरा 6x स्क्वायर है, अगली वैल्यू माइनस का 8x है एंड प्लस 3 इट्स इक्वल टू 0। ये सेकंड पार्ट है, इसमें ज़रा चेक करें कि a क्या है, 6 a 6 है, b क्या है माइनस का 8, सी क्या है 3। डिस्क्रिमिनेंट्स का फार्मूला क्या है, वैल्यू पुट करें
2.1 को साथ साथ इंट्रोडक्शन के साथ मैं सॉल्व कर रहा हूँ एग्जांपल के बजाय, ताकि आप लोग एग्जांपल, चाहे एग्जांपल आ जाए क्वेश्चन आ जाए, आप दोनों को दोनों में किसी में प्रॉब्लम ना हो। बी की वैल्यू क्या पुट करूँगा, माइनस का 8, ए की वैल्यू कितनी है 6 है, और फिर सी की वैल्यू कितनी है 6 and 3, 8 का स्क्वायर खोला तो 64 माइनस ये कितना आ जाएगा 6 3 18, और 18 4 कितना आ जाएगा 72, बाकी कितना बचा 6 और 2 माइनस का 8 आ गया। तो ये ज़रा देखें, पहला डिस्क्रिमिनेंट उसकी वैल्यू 17 है, जो दूसरे पार्ट का है उसकी वैल्यू कितनी है माइनस 8 है, 17 और है माइनस का 8 है। तो आपके 4 जो डिस्क्रिमिनेंट्स जो किस्म के होंगे, जिसमें 2 किस्म आ चुकी है, एक 17 और एक माइनस 8 आ चुकी है। क्यों भी समझ आ गई है? अब हम नेचर ऑफ रूट को एक्सप्लेन करते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट 2 मैंने फाइंड किया है और 2 आप फाइंड करेंगे, क्योंकि उसके 4 पार्ट हैं, 2 मैंने कर लिए, लेकिन नेचर ऑफ रूट्स हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। ज़रा फर्स्ट की तरफ चलते हैं। इफ़ बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास बी स्केयर मनफी 4ac है और ये ग्रेटर देन क्या है 0, ग्रेटर देन 0 एंड इज अ परफेक्ट स्केयर, लेकिन ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। परफेक्ट स्केयर क्या होगा ये देखें, जिसमें मैं 4 लिख सकता हूँ, इवन के 1 भी लिख सकता हूँ, 1 भी परफेक्ट स्केयर है और 4 भी परफेक्ट स्केयर है, फिर 9 परफेक्ट स्केयर है, फिर 16 परफेक्ट स्केयर है, 25 परफेक्ट स्केयर है, 36 परफेक्ट स्केयर, इसी तरह कोई और वैल्यू भी परफेक्ट स्केयर है, जिस तरह 46 49 है, उसके बाद 64 है। तो ये सारे क्या है, परफेक्ट स्केयर हैं और ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 एंड इज अ परफेक्ट स्केयर। परफेक्ट स्केयर में क्या आ जाएगा 1 4 9 16 25 36, परफेक्ट। देन द रूट आर रैशनल, फिर हम इसको क्या कहेंगे, परफेक्ट स्केयर आया, कहेंगे ये रैशनल है और साथ ब्रैकेट में क्या डाल दिया रियल है, क्योंकि रैशनल 2 कैटेगरी के होते हैं, एक रैशनल और एक इरैशनल, रियल 2 कैटेगरी के होते हैं, रियल में एक रैशनल आता है और एक इरैशनल आता है, इस वजह से ये क्या आ गया, ये रैशनल और साथ रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब अगर ये 0 के इक्वल आता तो फिर उसे इक्वल कहेंगे, और अगर 0 वैल्यू नहीं आती, ग्रेटर देन आ जाती, लेस देन आ जाती, तो उसको कहेंगे ये है अनइक्वल। तो ये पहला एक्सप्लेन आपको मैंने कर दिया कि डिस्क्रिमिनेंट के जब भी वैल्यू आ जाएगी परफेक्ट स्केयर 4 1 9 16 25, तो उसके नीचे स्टेटमेंट लिखनी है, कौन सी स्टेटमेंट है, इफ बी स्केयर मनफी 4ac ग्रेटर देन 0 एंड इज अ परफेक्ट स्केयर, अगर परफेक्ट स्केयर है देन द रूट्स आर रैशनल, फिर रूट्स क्या है रैशनल है एंड अनइक्वल। अंडरस्टैंड, अगले की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट पे आंसर है कितना है 17, ये भी ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं है। चेक करें, इफ बी स्केयर मनफी 4ac ग्रेटर देन 0, यस इट इज अ ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट परफेक्ट स्केयर, 17 परफेक्ट स्केयर नहीं है। अब देखो, वो आ जाए 2, वो आ जाए 3, वो आ जाए आपका 5, वो आ जाए 6, वो आ जाए 7, 9 नहीं, 10 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 14 आ जाए, 15 आ जाए, 16 नहीं, 17 आ जाए, 18 आ जाए। ये जो वैल्यू मैंने अभी बोली है, जो बताई है, ये सभी क्या है, ये तमाम नॉट अ परफेक्ट स्केयर, ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, देन द रूट आर इरेशनल, फिर वो रैशनल की जगह पे क्या लिख लेना है, IR का इजाफा किया, इरेशनल आ गया, बाकी वही इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। अंडरस्टैंड, दो किस्म के रूट हम फाइंड कर चुके हैं, एक्सप्लेन भी कर दिए, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। इफ बी स्केयर मनफी 4ac ग्रेटर देन 0, अब क्या आ गया इक्वल 0, बी स्केयर मनफी 4ac इक्वल 0, देन द रूट्स आर रैशनल, रूट रैशनल होगा, रियल होगा एंड इक्वल होगा। इट्स मीन ये जो 17 आया है
उसकी जगह पे क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यहाँ पे अगर आंसर जीरो आ जाता है ये वाला, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास रूट्स क्या है, रैशनल है और साथ क्या है, इक्वल है, जब जीरो आ जाए। अंडरस्टैंड? तो ये तीसरी किस्म का डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब काइंड नंबर फोर, इफ बी स्क्वायर मनफी फोर ए सी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब ये भी फाइंड किया, नेगेटिव में आ जाए। अगर वैल्यूज किस में आ जाती है, नेगेटिव में आ जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारे पास देन द रूट आर इमेजिनरी, नेगेटिव वैल्यू आ गई लेस देन जीरो, वो क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट, वो होगा हमारा इमेजिनरी, या उसको हम कहेंगे कंप्लेक्स कंजुगेट्स कहेंगे। तो हमारे पास कितनी किस्म के रूट्स हैं, फोर किस्म के, पता चल गया है। और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला याद कीजिएगा, बी स्क्वायर मनफी फोर ए सी, और फोर काइंड के जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट्स हैं, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेकिन ये परफेक्ट स्केयर और ये नॉट परफेक्ट स्केयर, और ये इक्वल जीरो, जो इक्वल जीरो होगा रैशनल होगा साथ इक्वल होगा, लेस देन जीरो यानी कि आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, तो मनफी में आएगा, तो क्या करेंगे हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो रूट्स है ये है इमेजिनरी। अंडरस्टैंड? ले जी, हमारा बेसिक कंसेप्ट इंट्रोडक्शन हुआ कंप्लीट, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हुआ कंप्लीट, और अब बात हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। उसमें लिखा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। एक तो नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करेंगे और बाद में हमने उसको प्रूफ भी करना है, वेरीफाई भी करना है। तो चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेचर ऑफ रूट, फोर काइंड नेचर ऑफ रूट्स की, और साथ है वेरीफाई रिजल्ट, और रिजल्ट को भी फाइंड करें कि क्या ये बात जो नेचर ऑफ रूट्स में आती है वो दुरुस्त है या नहीं है। तो चेक करते हैं पहले डिस्क्रिमिनेंट्स के थ्रू कि हमारे पास इसमें ए क्या है, वन, बी क्या है, -23, और सी क्या है, 120। फार्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट का, b का स्केयर माइनस है 4ac। वैल्यू पुट करें तो देखें b की वैल्यू कितनी है, -23, और इसका होल स्केयर -4। a की वैल्यू कितनी है, 1, और c की वैल्यू कितनी है, 120। मनफी 23 का स्केयर लिया तो 529, 529 माइनस का 120 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 480, बाकी बचा क्या, 49। अब 49 क्या है, ये आपको रूट बिल्कुल क्लियर है कि ये बी स्क्वायर 4ac ग्रेटर देन जीरो इज द परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है देन द रूट इज, क्योंकि सिंगल है, आर तब बोलेंगे जब ज्यादा मालूम, अभी तो एक ही मालूम किया जा रहा है, रूट इज रैशनल इज अ रैशनल रियल एंड अनइक्वल। अंडरस्टैंड? स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट लिखनी पड़नी है, इस वजह से उसको एक दो मरतबा रिपीट करने के बाद लिख लीजिएगा। ले जी, ये तो अब हमारे पास आ गया उसका फर्स्ट नेचर ऑफ रूट आ गया। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर करते हैं। वैल्यूज क्या है, एक्स इक्वल -b प्लस मनफी बी का स्केयर 4ac, और डिवाइड क्या है, 2a। b की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, मनफी 23 प्लस मनफी, फिर b की वैल्यू क्या है, -23 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है, 1, एंड c की वैल्यू क्या है, 120, डिवाइड क्या है, 2, और a की वैल्यू कितनी है, 1। एक्स इक्वल मनफी मनफी क्या हो जाएंगे, प्लस 23 आ गया, प्लस मनफी 23 का स्केयर 529 मनफी 120 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 480, और डिवाइड क्या है, 2। एक्स इक्वल
23 प्लस मनफी 529 में 480 गए तो बाकी 49 और डिवाइड क्या है, डिवाइड है 2, x इक्वल 23 प्लस मनफी 7 और डिवाइड क्या है 2, वन टाइम प्लस और वन टाइम माइनस किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, x इक्वल 23 प्लस 7 डिवाइड 2 और 23 मनफी 7 और डिवाइड 2, 30/2 और क्या है, 23 में से 7 चले गए बाकी कितने आ जाएंगे 16/2, x इक्वल क्या 15 और ये क्या 8, तो ये आपके पास क्या है रैशनल है और साथ क्या है अनइक्वल, क्योंकि जीरो तो आया नहीं इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो रूट्स आर रैशनल रियल एंड अनइक्वल, अंडरस्टैंड, ले जी फोर पार्ट है, एक पार्ट मैंने किया, एक और करता हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाए, ठीक है जी, उम्मीद है कि समझ आई होगी क्वेश्चन, इसी के साथ हम पार्ट सेकंड करते हैं। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2, 3x² + 7x - 13 इट्स इक्वल टू 0, ए की वैल्यू क्या है a3, बी क्या है 7 और सी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है b² - 4ac, बी की वैल्यू क्या है 7, 4, ए की वैल्यू क्या है 3 और सी की वैल्यू क्या है -30, तो इसको अब सिंप्लीफाई करते 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, माइनस माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, और 13 4 कितना आ जाएगा 52 और 52 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 3 2 6 और 3 5 15, दोनों को प्लस किया कितना आ जाएगा 9 5 5 4 9 0, 205 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमारे पास ये क्या है b² - 4ac > 0 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है देन द रूट इज इरेशनल, इरेशनल रियल एंड अनइक्वल, ये स्टेटमेंट हमने सेकंड में पढ़ी थी, अब इसके साथ हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है -b + -1, इसको हम प्रूफ करेंगे वेरीफाई करेंगे कि आया कि ये बात उसने दुरुस्त की है, क्या करते हैं वैल्यूज को पुट कर दें, b की वैल्यू कितनी है 7, b की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है -13 और डिवाइड क्या है 2 और a की वैल्यू कितनी है 3, x इक्वल -7 + -49 + 156 डिवाइड क्या है 2 3 6, x इक्वल -7 + -1 टोटल 205 और डिवाइड क्या है 6, ज़रा चेक करें कि हमारे पास जब स्क्वायर रूट ओपन नहीं होता है वो क्या वैल्यू होती है इरेशनल, जिसका स्क्वायर रूट ओपन हो जाता है वो रैशनल है, तो इसको हम क्या कहेंगे इज अ इरेशनल रियल एंड अनइक्वल, लें जी ये आपको समझ आ गई होगी, स्केयर ओपन हो तो रैशनल और स्केयर ओपन नहीं होता तो इरेशनल, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जी क्वेश्चन नंबर 3 है 2.1 एक्सरसाइज का,
फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के, के की क्या वैल्यू होगी? एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्केयर, ये के की स्केयर एक्स स्केयर प्लस टू इंटू के प्लस वन प्लस फोर इज अ परफेक्ट स्केयर। तो क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर सेम है, लेकिन थ्री में एक पार्ट है और क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे पास है तीन पार्ट है। इसको अच्छे से समझिएगा, वो आप लोगों ने खुद करना है और फिर मुझे करके कल बताइएगा, और ताकि आज का हमारा लेक्चर फिर यहाँ तक ही इसको हम वाइंड अप करेंगे। एक्स इधर, एक्स के प्लस वन इंटू एक्स है और प्लस फोर है। ए की वैल्यू चेक करें क्या है, ए इट इज इक्वल के स्केयर। बी की वैल्यू है टू इंटू के प्लस वन और सी की वैल्यू क्या है फोर। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्केयर फोर ए सी। बी की वैल्यू क्या है टू इंटू के और प्लस वन इसका स्केयर माइनस फोर। फिर इसके बाद आगे ए की वैल्यू चेक करें, ए क्या है के स्केयर। सी की वैल्यू कितनी है फोर। अंडरस्टैंड, टू का स्केयर खोला तो फोर, के का स्केयर खोला फर्स्ट का स्केयर, सेकंड का स्केयर खोला वन, प्लस टू फार्मूले वाला इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, मनफी फोर फोर सिक्सटीन के का स्केयर। फोर को अंदर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा फोर के स्केयर प्लस फोर और प्लस फोर टू एट के मनफी सिक्सटीन के स्केयर। रीरेंज कर लिया, सिक्सटीन में से फोर चला गया, बाकी क्या आ गया माइनस का ट्वेल्व के स्केयर प्लस का एट के और प्लस का फोर। अकॉर्डिंग टू कंडीशन कर लें ज़रा, मनफी का दूसरी साइड पे अगर लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव या मनफी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, इट्स इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी तो ये कंडीशन है कि आप लोग इसको उस एक्सप्रेशन को इक्वेशन में चेंज कर लें, इट्स इक्वल टू ज़ीरो। इनमें से ज़रा चेक करें सभी में से कामन क्या आ रहा है, फोर, फोर पर डिवाइड कर लें या फोर कामन ले लिया, फोर थ्री ट्वेल्व, फोर टू एट, फोर वन ज़ीरो, क्या आ जाएगा फोर इधर मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ जाकर डिवाइड का, बाकी इक्वेशन क्या आ जाएगी थ्री के स्केयर माइनस का टू के और माइनस वन, इट्स इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर हम पेयर बनाकर यानी कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फैक्टराइजेशन से इसे सॉल्व किया जा सकता है। मल्टीप्लाई करने से थ्री आए, प्लस मनफी करने से मनफी टू आए। 3k माइनस का 3k होगा और प्लस का k होगा, 3 में से 1 चला गया बाकी 2 और मनफी का 1, इट्स इक्वल टू 0। दोनों में सेम क्या है, 3k अंदर बचा क्या k मनफी 1, दोनों में सेम क्या है कॉमन 1, क्योंकि k मनफी 1 ऑलरेडी बड़ा हुआ है इसलिए k मनफी 1, इट्स इक्वल टू 0। दोनों में सेम क्या है, k मनफी 1 और बाकी बचा क्या 3k प्लस 1, इट्स इक्वल टू 0। फर्स्ट भी ज़ीरो के इक्वल और सेकंड भी ज़ीरो के इक्वल। माइनस का वन है दूसरी तरफ जाकर प्लस का, प्लस का वन है दूसरी तरफ जाकर माइनस का, थ्री मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड। हमारे पास जो के की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हम कर चुके हैं, और इसी को समझते हुए आपने क्वेश्चन नंबर फोर के थ्री पार्ट करने। किसी जगह प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।